Okay guys, I have shared my screen. So can you guys see my screen? Yes sir. Okay. अच्छा, हम जो है आज स्ट्रिंग की जो क्लास है ना, हमने एक क्लास पढ़ी हुई है। जैसे हमारे पास नॉर्मल क्लास होती है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट? ओके, तो स्ट्रिंग जो है बेसिकली क्लास है जो कि हम एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। तो हम जो है वो स्ट्रिंग क्लास जो है उसको देखने जा रहे हैं कि उसके अंदर कुछ यूजफुल मेथड्स हैं कि जिनको पढ़ के, जिनको समझ के हम, हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है। कंपेयरिंग का, इफ कंडीशंस का, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का, क्योंकि बहुत सारी चीजें या सारी चीजें स्ट्रिंग में ही हमारे पास आती हैं। जब भी आप डेटाबेस से डेटा लेते हो स्ट्रिंग में आती है, जब भी आप फाइल से डेटा लेते हो स्ट्रिंग में आती है, जब आप कोई नॉर्मल इनपुट में डेटा लेते हो भी स्ट्रिंग में आती है। तो उस स्ट्रिंग को हम जो है स्ट्रिंग की कंपेरिजन, उसके अलावा स्ट्रिंग के कंडीशन, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं उस डेटा के साथ जो स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है। और उसके जो है स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स हैं, बहुत ही यूजफुल मेथड्स हैं जिनको हम आज देखेंगे। जो जो यूजफुल मेथड्स होंगे उनको हम देखेंगे आज कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिन पे हम उन मेथड्स को कॉल करके, और कुछ किसी का रिटर्न टाइप होगा, किसी का नहीं होगा। और हमने मेथड्स तो पढ़े हुए, हमें बहुत सारी आइडिया है कि मेथड्स क्या होते हैं और वो क्या काम एक टास्क परफॉर्म करते हैं और हमें कुछ रिटर्न करते हैं, हमसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें एक स्ट्रिंग क्लास के मेथड में भी होती है। अच्छा जी, अब ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा हुआ है ना, यूं समझ लें कि ये जो स्ट्रिंग के अंदर एक डेटा है ना, ये यूं समझ लें डेटाबेस से आ रही है, आप इमेजिन कर सकते हो। फाइल से आ रही है, आप इमेजिन कर सकते हो। इनपुट से आ रही है, आप इमेजिन कर सकते हो। स्टेटिक डेटा पड़ी है, आप इमेजिन कर सकते हो, राइट? यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार एनीबडी? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? इसका मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया? नो सर, कुछ समझ नहीं आया? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके गुड, ऑलराइट। सो इनके मेथड्स को देखते हैं। str.contains सबसे पहला मेथड है। अब इन मेथड्स का जरा ये देखा करें कि ये इनपुट होती है, इनकी आर्गुमेंट्स होते हैं, ये इनका रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। अच्छा, contains, ठीक है जी। अच्छा, अब लेट्स से आज की क्लास के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, मैं इन सब मेंबर्स में से पूछता हूँ कि हमारे क्लास के अंदर आज इदरीस अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा हाँ या ना। अब वो सबसे पहले आया हो, सबसे लास्ट में आया हो, मिडिल में आया हो, लेकिन हमें पूरे उसके अंदर एक सर्च लगानी है, लेट से कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कहीं कहीं सारे स्टूडेंट्स के अंदर इदरीस अवेलेबल है या नहीं है। अगर इदरीस अवेलेबल है तो इदरीस भाई आप हाँ बोल दें कि आई एम अवेलेबल, आई एम प्रेजेंट। यस, आई एम अवेलेबल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने यस बोला। अगर आप नहीं होते तो कोई आपके बिहाफ पे नो बोल देता, इसका मतलब बूलियन, ठीक है। कंटेंट्स भी इसी तरह काम करता है। कंटेंट्स जो है एक सीक्वेंस लेता है करेक्टर की। करेक्टर सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग के अंदर एक करेक्टर, दो करेक्टर, तीन करेक्टर या चार करेक्टर या जितने भी आप देना चाहो। वो करता क्या है, बेसिकली जो स्ट्रिंग है ना, जिस स्ट्रिंग का मेथड आपने कॉल किया हुआ है, उसकी जो वैल्यू है वहां पर देखता है कि उस वैल्यू में वो चीज कंटेन्स करती है या नहीं, स्टार्टिंग में, एंड में या कहीं भी, सही है। लेट से आपने डबल एल ओ लिख दिया, अब डबल एल ओ इस हेलो वर्ल्ड की वैल्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये सीक्वेंस, ये करेक्टर की सीक्वेंस है, वो एग्जिस्ट करती है, वो कंटेन्स करती है इस पूरे वर्ड में, कहीं भी स्टार्ट हो, एंड हो, मिडिल हो, कहीं भी हो, वो कंटेन्स करती है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज कंटेन्स करेगी, इसका मतलब कि आपको रिटर्न बुलियन करेगी, बुलियन के अंदर ट्रू करेगी, ठीक है। अच्छा, बुलियन is contains equals to str dot contains, ठीक है। आपने यहाँ पर डबल एल ओ एंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिस आउट कराओ, is contains, ठीक है। इसको रन करते हैं, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं इसकी, sorry configuration application main class main apply okay। अच्छा, अब इसको रन करते हैं।
देखो जी आपके पास ट्रू रिटर्न हो गया, ठीक है। अच्छा ये एक सीक्वेंस है, अगर मैं ये सीक्वेंस लिखता हूँ कि भाई ये पूरी की पूरी सीक्वेंस यहाँ पर अवेलेबल है, सही है, तो ये आपको ट्रू बोलेगा कि इन दोनों वर्ड्स के अंदर अवेलेबल है। अगर आप पूरा वर्ड भी लिखते हो भी आपको ट्रू बताएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट्स है, अवेलेबिलिटी है उसकी, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ एच लोअर केस के साथ, या मैं लिखता हूँ एच डबल एरो, ऐसी कोई सीक्वेंस अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। एज इट इज कोई भी सीक्वेंस कहीं भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कहीं भी मिड में, स्टार्ट में या एंड में अवेलेबल होगी अगर आपको, तो वो ट्रू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ऑलराइट, क्लियर है ये मेथड? यस सर। ओके, ये लिख लें अपने पास। ओके, ये अपने पास लिख लें कॉपी पे, और इसकी वर्किंग भी लिख लें कि कंटेंट्स मेथड जो है वो कैरेक्टर सीक्वेंस लेता है, मतलब स्ट्रिंग लेता है, वो सीक्वेंस फाइंड करके हमें बूलियन रिटर्न करता है। इसका रिटर्न टाइप भी लिख लें, इसके आर्गुमेंट पैरामीटर्स भी लिख लें, इस मेथड का नाम और काम, ये तीन चार चीजें लिख लें, लिख लें तो फिर हम आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मेथड, str डॉट कैरेक्टर 8, चार 8, ठीक है। अच्छा, इसमें आप जो है यहाँ पर इंडेक्स पास करते हो, हमने ये चीज क्लियर की थी कि जो इंडेक्स होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, राइट। इसमें हम इंडेक्स एज आर्गुमेंट देते हैं, और रिटर्न में हमें क्या मिलता है, कैरेक्टर मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप str डॉट कैरेक्टर 8 बोलोगे उसको इंडेक्स हो गया, लेट्स से आपने 1 इंडेक्स दी, तो 1 इंडेक्स में हमारे पास ई पड़ा हुआ है, ठीक है, 0 पे एच हो गया और 1 पे ई पड़ा हुआ है, तो आपके पास वो कैरेक्टर रिटर्न होगा जो आपके पास सेकंड पे होगा। आपको एक चीज याद होगी कि मैंने आपको जो इनपुट लेना सिखाया था कैरेक्टर का, ठीक है, वो कैरेक्टर एट 0 कर रहे थे हम हमेशा, वो इस वजह से कर रहे थे कि जो हमारे पास इनपुट में अगर कोई स्ट्रिंग आएगी भी, उस स्ट्रिंग का कैरेक्टर एट 0 पहला कैरेक्टर उठाओ, सही है, और वो पहला कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा। याद है आपको, मैंने इनपुट में आपको इस तरह बताया, एसटी जो स्कैनर होता है sc.next, वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है डॉट कैरेक्टर एट 0, वहां से उस स्ट्रिंग से वो 0 पे जो भी कैरेक्टर पड़ा होता है वो उठा के पिक करके आपको एज अ कैरेक्टर की इनपुट देता है, राइट। डिड यू रिमेम्बर दिस? यस। ओके, अच्छा, ये जो कैरेक्टर एट होता है ये लेता इंटीजर है, लेट्स से मैंने यहाँ पर 4 इनपुट की, ठीक है। अच्छा, अब ये रिटर्न करेगा कैरेक्टर, कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू, और आपने एस आउट करना है सी एच को, ठीक है जी। ओ, अब ओ किस तरह से आया, 0 1 2 3 और ये 4 पे ओ पड़ा हुआ है, 5 पे स्पेस, फिर 6 पे W, सही है, फिर 7 8 9 10, इस तरह 10 तक जो भी आप दोगे वो करेक्टर उठा के पिक करके आपको दे देगा, राइट। क्लियर है कैरेक्टर एट मेथड, इनपुट आर्गुमेंट जो है वो इंटीजर लेगा और रिटर्न आपको करेक्टर करेगा, और इसका काम ये है कि जो आप इसको आर्गुमेंट दोगे उस आर्गुमेंट के उस जो है इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर वो उठा के आपको रिटर्न कर देगा एज अ करेक्टर, राइट। Thank you.
ये लिख लें गाइस अपने पास। Okay guys, moving forward, str dot length, ठीक है। अच्छा length की जो है कोई भी input नहीं होती, इसका जो है output होता है, ठीक है। अच्छा इस output में ये return क्या करता है, मतलब ये argument कुछ भी नहीं रहता, ये सिर्फ return करता है, ठीक है। अच्छा ये return क्या करता है, इसकी length, length one से start होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से count करने लगूँ इसकी length, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, इसकी लेंथ है 11, तो मुझे लेंथ रिटर्न होती है, ठीक है। आपको याद होगा एरे के अंदर हमने लेंथ कीवर्ड पढ़ा था, ये जो लेंथ है ये मेथड है, इसकी पैरेंथेसिस है, और ये जो है इसका स्ट्रिंग का प्रॉपर मेथड है। और यहाँ पर मैंने इंटीजर ए इक्वल्स टू, और मैंने एस आउट कर दिया ए, ये मुझे इसकी लेंथ बताएगा, ठीक है। 11 वन से स्टार्ट होती है। अगर आपको इसकी इंडेक्स जानना है, एस आउट करें ए माइनस वन, ये इसकी इंडेक्स होती है, सही है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होगी तो वो वन तक, टेन तक आएगी, ठीक है। ये देखें, ये इंडेक्स हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, राइट। क्लियर टू यू ऑल, यस सर, गुड। लिख लें ये, फिर आगे चलें। Okay, great. Moving forward. अच्छा
अच्छा जी, लेंथ हो गया, कैरेक्टर एट हो गया, कंटेंट्स हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं इज एम्प्टी। इज एम्प्टी जो है वो इनपुट कुछ भी नहीं लेता, रिटर्न करता है सिर्फ बूलियन, ठीक है। इज एम्प्टी मतलब कि एसटीआर के अंदर कोई भी वैल्यू ना हो, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू ना हो, अगर मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है, अगर वो इंटर ही नहीं करता, सिर्फ लेट से इंटर प्रेस कर देता है, तो वो खाली इनपुट मेरे पास आ जाती है, सही है। तो उसको चेक करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं इज एम्प्टी, ठीक है। अच्छा इज एम्प्टी जो है वो रिटर्न करता है बूलियन, ठीक है, अभी फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि एसटीआर के अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है। बूलियन बी एक्स इक्वल्स टू एस आउट बी एक्स, ठीक है जी, फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं इसको खाली कर देता हूं तो अगर रेस्पॉन्स देखते हैं इसका तो ट्रू आएगा, क्योंकि ये खाली हो गई। अब लेट से मैंने यूजर से इनपुट ली, वो खाली आई, तो मेरे पास यूजर से इनपुट लेने के बाद अगर मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ, भाई अगर खाली है तो मैं यूजर को वापस रिटर्न कर दूं कि भाई इनपुट इज रिक्वायर्ड, सही है। आपने अक्सर फॉर्म्स वगैरह में भी देखा होगा, जो एचटीएमएल के फॉर्म्स होते हैं या जो वेबसाइट्स में आप लॉगिन वगैरह करते हो, तो उसमें जो है जब आप लॉगिन पे प्रेस करते हो तो वो रेड ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि इनपुट इज रिक्वायर्ड और समथिंग लाइक इस तरह, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए ये वाले मेथड्स होते हैं। जब आप स्विंग के अंदर काम करोगे और जे ऑप्शन पेन में या उसमें आपने जे फील्ड के अंदर, जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने यूजर से इनपुट ले लिया, जी हेलो सर, वो तो एनोटेशन यूज नहीं होती फिर, वो इज रिक्वायर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, हां वो एचटीएमएल है, वो एचटीएमएल है, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अब मैं आपको बता रहा था कि जावा में आप किस तरह यूज करोगे। वो तो HTML 5 की एनोटेशन होती है, बिल्कुल होती है, वो टैग होता है उसका, उसमें हम रिक्वायर्ड लिखते हैं। लेकिन HTML 5 से पहले हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सपोर्ट करते थे, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इस तरह के कोड लिखते थे कि वो जो इनपुट आ रही है वो खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो वापस रिटर्न भेज दो। ये तो HTML 5 ने हमें दिया हुआ है ना, राइट या तो लेट्स से अब आप जे फ्रेम फॉर्म के अंदर काम कर रहे हो तो वहां पर कोई इस तरह का टैग नहीं है, तो वहां पर लेट्स से आपने यूजर नेम लिया, आपने जे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट कर लिया, तो आपको स्ट्रिंग मिली, आपने उसमें मेथड लगा दिया भाई इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो आप जो है फॉर्म को आगे ही ना जाने, राइट, आप वहां पर ही बता दो भाई कि एक जो ऑप्शन पेन प्रिंट करवा दो भाई यूजर नेम जो है वो आपने एम्प्टी डाला हुआ है उसमें कुछ एंटर करें। तो इस तरह की वैलिडेशन के लिए आज आप जो है इज एम्प्टी मेथड को यूज कर सकते हो, राइट, ओके ऑलराइट, लिख लें। अच्छा चार चीजें याद रखिएगा जो जो लिखनी है, आप एक भले वो भी बना सकते हैं टेबल भी, मेथड का नाम क्या है, मेथड का काम क्या है, मेथड आर्ग्यूमेंट्स में लेता क्या है, मेथड रिटर्न करता क्या है, ये चार चीजें हर मेथड के लिए आप लिख लें। जी str dot equals, ठीक है, equals जो है वो comparison method के लिए काम आता है, comparison करने के लिए। इसकी जो input होती है वो एक string होती है कोई भी, ठीक है, और उसके अलावा जो इसका output होता है वो boolean होता है, right? अच्छा let's say मैंने boolean bx equals to, ठीक है, और यहाँ पर s out करके दे दिया bx, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये str की वैल्यू उठाता है और जो इसकी वैल्यू आपने इनपुट यहाँ पर की हुई है दोनों उठाता है और एज इट इज कंपेयर करता है, एक्चुअल एज इट इज कंपेयर करता है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि जो केस जो है ना केस सेंसिटिवली
इसको कंपेयर करता है। अगर आपकी हेलो वर्ल्ड जो है इसकी एच अपर केस है तो यहाँ पर इनपुट के अंदर भी अपर केस ही होनी चाहिए एज इट इज, अदरवाइज ये जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आप जो है पासवर्ड वगैरह जैसे कंपेयर करते हो उसमें आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस रखते हो। ठीक है, ये देखो फॉल्स दे रहा है। अच्छा लेट से मैंने एज इट इज इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब जो है ये ट्रू देगा। ठीक है, अब लेट से मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने एक फाइल बनाई, एक फाइल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड रखा और आपने यूजर का भी एक लॉगिन बनाया, सही है। अब हुआ क्या कि जब यूजर ने इनपुट दी तो आपने क्या किया, फाइल को रीड करना स्टार्ट किया और फाइल से एक एक करके स्ट्रिंग में यूजर नेम या पासवर्ड लेते हुए आए, सही है। यूं समझ लें कि ये एक यूजर नेम है जो फाइल से आया हुआ है आपके पास, और ये वाला जो यूजर नेम है ये यूजर ने इनपुट में एक वेरिएबल दिया हुआ है, सही है। अच्छा, जहां जहां मैं स्ट्रिंग इनपुट कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज स्ट्रिंग इनपुट हो सकती है, इसमें कोई वेरिएबल भी इनपुट हो सकता है। ठीक है, लेट से यहाँ पर मैं स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू इस तरह किया और यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स को इस तरह कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वेरिएबल दूसरा वेरिएबल जो है आपके पास यूजर से इनपुट का आया और पहला वेरिएबल आपके पास डेटा में पड़ा हुआ है, डेटाबेस में पड़ा हुआ है या कहीं भी अपने पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो चीजों की कंपैरिजन करते हो कि भाई ये जो यूजर है ये वैलिड यूजर है या ये जो पासवर्ड है ये वैलिड पासवर्ड है या नहीं, ये होता है इक्वल्स। ठीक है, अच्छा इसी के जैसा ही एक मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, str.equals ignore case। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि लेट से ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, हेलो वर्ल्ड एज इट इज लिखा हुआ है लेकिन इसमें केस का ध्यान नहीं रखता वो इक्वल्स इग्नोर केस। जैसे यूजर नेम के यूजर नेम में आप थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हो या रख देते हो कि भाई यूजर नेम लोअर केस में दो अपर केस में दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब होना हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड ही चाहिए। ठीक है, अब एच अपर केस हो लोअर केस हो, ई अपर केस हो लोअर केस हो, नो इश्यूज इन दैट, राइट। अच्छा अब जो है यहाँ पर बूलियन vx1 equals to str.equals ignore case, अब यहाँ पर मैंने hello और यहाँ पर word, ठीक है, लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड ही है लेकिन इसमें क्या हुआ है कि केस सेंसिटिविटी में केस सेंसिटिविटी जो है वो मैंने नहीं रखी, राइट। अच्छा यहाँ पर मैं vx1 एंटर करता हूँ, ये देखें ट्रू आ गया। ठीक है, अब यही चीज इक्वल्स के साथ होती तो फॉल्स आती, अब इक्वल्स इग्नोर केस के साथ है तो ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड ही है, वो चाहे लोअर केस में लिखा है या अपर केस में, ये क्या करता है इक्वल्स करता है लेकिन केस को इग्नोर करके। ठीक है, और ये केस को इग्नोर नहीं करता, वे प्रॉपर इक्वल्स करता है, राइट। क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ओके ग्रेट, लिख लें अपने पास दोनों का काम, दोनों अलग अलग मेथड्स हैं स्ट्रिंग के।
ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, str डॉट टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या काम करता है, ये इनपुट कुछ भी नहीं लेता लेकिन आउटपुट के अंदर स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। ये करता क्या है, str की जो वैल्यू है उसमें जो जो लोअर केस कैरेक्टर्स हैं वो तो लोअर केस ही रहेंगे, जो अपर केस कैरेक्टर्स हैं वो भी लोअर केस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब आपको पूरी स्ट्रिंग अगर लोअर केस करनी हो तो आप इस तरह करते हो, लेट्स से स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू, ठीक है, इस आउट किया str1, पूरी स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस हो जाएगी, देखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, आप इसी तरह स्ट्रिंग str2 equals to str dot to uppercase, ठीक है, ये स्ट्रिंग का दूसरा मेथड है to uppercase। ये क्या करता है, जो uppercase हैं वो होंगे, जो लोअर केस होंगे वो भी uppercase हो जाएंगे, ठीक है। str2 str, ठीक है, आप इसको चला के देखते हैं। उसके अलावा जो है पहले इस आउट करते हैं str के, भाई एक्चुअल स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, और उसके बाद टू लोअर केस ने किस तरह काम किया और टू अपर केस ने किस तरह काम किया। ये देखें, ये एक्चुअल स्ट्रिंग है, ये टू लोअर केस होने के बाद, ये टू अपर केस होने के बाद, लोअर केस के अंदर जो लोअर केस थे वो लोअर केस ही रहे और बाकी जो है अपर केस जो थे वो लोअर केस हो गए। अपर केस के अंदर जो भी अपर केस थे वो अपर केस रहे, जो लोअर केस थे वो भी अपर केस, राइट, क्लियर गाइस। सर यस सर, ओके यस सर, क्लियर, ओके ग्रेट, नोट कर लें अपने पास ये दोनों मेथड्स। डन सर, ठीक है जी। str डॉट ये हो गया जी, इज एम्प्टी हो गया, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस के दो हैं, मेथड ओवरलोडेड है, ठीक है, तो हम जो है ज्यादातर करेक्टर सीक्वेंस वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिप्लेस करता क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पर l को ए कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसमें दो इनपुट्स दी, वो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आप बढ़ा भी सकते हो लेकिन वो सीक्वेंस इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने किया यहाँ पर स्ट्रिंग str1 equals to, और यहाँ पर एस आउट करता हूँ पहले str को, फिर मैं एस आउट करता हूँ str1 को और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर एच ई डबल एल ओ एच ई ए ए ओ डब्ल्यू ओ आर एल डी डब्ल्यू ओ आर ए डी, ओवरऑल इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ भी एल था कैरेक्टर उसको इसने ए में अंदर कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पर डबल एल लिखता हूँ
और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई डबल एल को ट्रिपल ए के अंदर कन्वर्ट कर दो और मैं दोबारा रन करता हूँ उसको, तो ये जो डबल एल है वो इसको सिर्फ एक मरतबा मिलेगा, दो मरतबा मिलेंगे तो दो मरतबा। ये देखो ये वर्ल्ड वाला जो वर्ल्ड है वो एज इट इज रहेगा, डबल एल सीक्वेंस के साथ ट्रिपल ए को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें एक करेक्टर, दो करेक्टर, तीन करेक्टर, जितने यहाँ पर इनपुट में देना चाहो और उसी का ही जो आउटपुट देना चाहो, ये आप इसमें सीक्वेंस देते हो। अब ये सीक्वेंस क्या करता है, जहां जहां वो चीज कंटेंस होती है उस जगह पे जाके रिप्लेस मार देता है, राइट। अब ये जो एक करेक्टर है, एक करेक्टर सिंगल है, सिंगल करेक्टर जहां जहां भी होगा वो सारा उसमें हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिप्लेस जो है वो आपने नॉर्मल वर्ड फाइल्स के अंदर और हर चीज के अंदर आपने देखा होगा ये होते हैं। तो रिप्लेस की जरूरत हमें कहीं भी पड़ सकती है, किसी भी जगह भी पड़ सकती है। लेट से मैं आपको ये बोलता हूँ कि वो जो मैंने आपको स्प्लिट का मेथड बताया था कि भाई जहाँ माइनस की जगह पे जहाँ जहाँ स्प्लिट होगा वो आप जो है वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, स्प्लिट करके एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कभी आपको इस तरह करना हो कि आपको एक ही लाइन के अंदर दिखाना हो तो आप क्या करते हो, उस माइनस को रिप्लेस कर दोगे, किससे रिप्लेस कर दोगे, खाली स्ट्रिंग के साथ, इस तरह रिप्लेस कर दोगे या एक स्पेस के साथ रिप्लेस कर दोगे। तो वो माइनस जो है जैसे फाइलिंग में हमने लिखा था, फाइलिंग के अंदर हमने किस तरह लिखा था, इस तरह लिखा था, लेकिन मुझे सही से लिखवाना था तो मैं इस तरह यूज करके एक ही उसके अंदर आपको दिखा सकता हूँ कि भाई जो जहाँ जहाँ माइनस है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है स्पेस के साथ। देखो ये एक्चुअल इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये रिप्लेस जो है वो इसी तरह काम करता है। अच्छा, उसके अलावा str.replace फर्स्ट, ठीक है, रिप्लेस फर्स्ट क्या करता है, लेट से मैंने यहाँ पर इसको बोला कि भाई जहाँ जहाँ L है वहाँ वहाँ आप जो है A कर दो, ठीक है। अच्छा, अब str करते हैं string str टू इक्वल्स टू south str टू, ये मैंने रन किया, ये देखें h e सिर्फ इसने पहली मर्तबा में जहां l आ रहा था वहां इसने कर दिया। मतलब रिप्लेस फर्स्ट, ये पहली जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, जहां भी इसको पहली मर्तबा ये जो करेक्टर सीक्वेंस या जो स्ट्रिंग मिलेगी सिर्फ पहली मर्तबा सिर्फ उसको रिप्लेस कर देगा, आगे देखेगा ही नहीं। लेकिन जो रिप्लेस है वो हर जगह कर देता है, राइट। ये रिप्लेस और रिप्लेस फर्स्ट के अंदर ये फर्क है, बाकी दोनों सेम काम करते हैं, राइट। Clear to everyone? Yes, sir. Okay, लिख ले। ठीक है जी, लिख लिया। अच्छा गाइस, मैं मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ, सो वी विल ज्वाइन इन अदर मीटिंग इन टू मिनट्स, क्योंकि इसमें जो है ये मीटिंग ख़त्म होने वाली है, तो हम जो है नेक्स्ट मीटिंग से ये कंटिन्यू करते हैं इसका। ओके, वी हैव टू मिनट्स, इफ वी हैव टू मिनट्स, इफ एनीवन आस्क वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन कर सकते हो आप, दो मिनट हैं उसके बाद, वरना मैं मीटिंग को वो कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। Anybody has any question? No? No, sir.
ऑल सेट ओके ठीक है मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ।